हॉस्पिटल के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाएं सफाई को लेकर जो मिली है, इसके अलावा डॉक्टरों की जो रिक्वायरमेंट है, बहुत से एक दो डॉक्टर ऐसे मिले जो लॉन्ग एब्सेंट है, वो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं, उनके संबंध में बात की गई है। इनकी जो आवश्यकता है उनको हम विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आने वाले समय में पूरा करेंगे, और जो संसाधन यहाँ उपलब्ध है उन संसाधनों को बेहतर तरीके से काम लेते हुए, बेहतर साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध करवाते हुए आने वाले समय में यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना हमारा ध्येय है। सर, सपोटरा में जो सोनोग्राफ मशीन है वो धूल फांक रही है, वहीं ब्लड बैंक है वो बंद पड़ा है, जनरेटर की सुविधा है वो बंद पड़ी हुई है, इन सब के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, ये सारी स्थिति जो धूल फांक रही है, ये 15 साल का वो कुशासन है, उसका स्पष्ट उदाहरण आप सबने देखा है जी। हमारा उद्देश्य है कि ये 15 साल की धूल है, इसको हटाने में कुछ समय तो लगेगा, तो ये सब चीज़ों को समय पे व्यवस्थित तरीके से और तेज़ गति से दौड़ाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत है। हम सभी जो डॉक्टर हमारे यहाँ सम्मानीय डॉक्टर लग रहे हुए, इनके साथ मिलकर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, सभी मशीनों को अपनी रनिंग में लाना, वर्किंग में लाना, ये हमारा उद्देश्य है। सर, निरीक्षण के दौरान आपने देखा कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वहीं वाशबेसन आपने देखा, दूसरी जगह आपने देखी, तो यानी कि ऐसी गंदगी वहाँ पर थी कि आदमी रुक नहीं सकता, तो फिर ऐसे अस्पताल में कैसे आदमी अपना इलाज ले पाता होगा? ये जो अव्यवस्थाएं हमने देखी है, चाहे साफ सफाई से संबंधित हो या मशीनों से संबंधित हो, इन सबको 7 दिन का हमने इनको समय दिया है। 7 दिन के समय के बाद में हम दोबारा इन हॉस्पिटलों में आएंगे, और न केवल सपोटरा हॉस्पिटल बल्कि सपोटरा विधानसभा के अंदर जहाँ भी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उन सभी पर जाकर हम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का हम सब लोगों ने वादा किया था, और उसी उद्देश्य से हम लगे। सर, सर्दी का मौसम है, यहाँ पर मरीजों को कंबल वगैरह सर्दी पे यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, क्या ऐसी और व्यवस्था है जिसको लेकर सुधार किया जा सकता है? सर्दी के मौसम को देखते हुए जो भी आवश्यकता चीजें हैं उन सबके लिए उनको निर्देश दे दिए गए हैं, आने वाले समय में वो सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सर।